सर अर्णव गोस्वामी ने आज सुबह उनको दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया और उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी से बोला कि हमारी मदद की जाए, नहीं तो जिस तरह से इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया उसी तरह ये हमें भी खत्म कर देंगे। ये उनकी गलत फहमी है कि जिस तरह से सुशांत राजपूत को खत्म करवा दिया गया और एक हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया, ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो गया क्योंकि देश को उस समय पता नहीं था। लेकिन इस समय यह घटना पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है और अर्णव गोस्वामी को अकेला नहीं है, प्रत्येक भारतवासी इस समय अर्णव गोस्वामी के साथ खड़ा हुआ है। सर उन्होंने बोला कि उनके साथ जेल के अंदर जेलर ने मारपीट की है और उनके स्टाफ ने मारपीट की है, क्या कहना है? देखिए ये तो एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी हुई है, खुलेआम तानाशाही हुई है, ये पूरे भारत देश ने देखा है। क्या पूछता हूँ आप लोगों से, आप लोग भी जवाब दीजिए, क्या अर्णव गोस्वामी ने सत्य का साथ दिया? पूरी सच्चाई को देशवासियों के सामने लेके आए, क्या उन्होंने गलत किया? नहीं। क्या उन्होंने गलत किया? नहीं। उन्होंने एक सच्चाई को देश भर के सामने रखा, सच्चाई के मुद्दों पे बात की, तो उनको ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि वो कोई गैंगस्टर हैं, जैसे कि वो कोई देशद्रोही है। पूरा भारत देश देख रहा है कि जो सच्चाई का साथ दे रहा है उसका क्या हल किया जा रहा है। ऐसे बाल पकड़ कर तुम घसीटते हुए लेके जा रहे हो जैसे कि उन्होंने कोई आतंकवाद किया हो। अपने देश के वास्तविक मुद्दों को देश के सामने रखना कौन सी गलत बात है, ये बात पूछता है भारत। सर जिस तरह से एक हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक महाराष्ट्र का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके बचाव में आज तक सड़क पे नहीं आया, केवल बस वो एक टिप्पणी करके खेल रहे हैं आपस में। दहशत, एक ऐसा दहशत का माहौल महाराष्ट्र के अंदर क्रिएट कर दिया गया है कि कोई जुबान होने के बाद भी बोलने को तैयार नहीं है। मेरे साथियों, जुबान होने के बाद भी वो लोग चुप हो गए हैं क्योंकि उनको धमकियां दी जा रही हैं। अगर वो खुलेआम समर्थन में उतरेंगे तो उनके साथ भी वही घटना होगी जो अभी बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रानावत के साथ हुई थी, या सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई थी, या अर्णव गोस्वामी के साथ हुई है। दहशत, एक ऐसा दहशत का माहौल महाराष्ट्र के अंदर क्रिएट कर दिया गया है कि कोई जुबान होने के बाद भी बोलने को तैयार नहीं है। मेरे साथियों, जुबान होने के बाद भी वो लोग चुप हो गए हैं क्योंकि उनको धमकियां दी जा रही हैं। अगर वो खुलेआम समर्थन में उतरेंगे तो उनके साथ भी वही घटना होगी जो अभी बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रानावत के साथ हुई थी, या सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई थी, या अर्णव गोस्वामी के साथ हुई है। तो सर केंद्र में भाजपा सरकार बैठकर क्या कर रही है, उनके साथ काम करने वाले लोगों को जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार उठा के ले जा रही है? देखिए सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा कि जो भी देश के लिए काम कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये सच्चाई का मुद्दा है। मैं कहूंगा वो बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए काम कर रहे थे। तो अगर देश के लिए काम करे तो देश की सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? देश की सरकार की जिम्मेदार बनती है ईंट का जवाब पत्थर से दो। सर अभी तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा गया, क्यों नहीं किया गया? देखिए जब तक हिंदुस्तान की जनता एक होकर अर्णव गोस्वामी के समर्थन में नहीं निकलेगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। जब पूरा भारत देश एक होकर न्याय के लिए निकलेगा उनकी रूह कांप जाएगी और 100% मैं कहता हूँ न्याय मिलेगा। अर्णव गोस्वामी जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि उनके साथ ऐसा नहीं किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकती कि उनको रिहा किया जाए? सुप्रीम कोर्ट का राइट बनता है कि अगर ज्यादती हुई है, गलती हुई है, तो उनको प्रोटेक्शन जिनको देनी चाहिए, आप लोग उनको घसीटते हुए लेके जा रहे हो, ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे लोग की बनती है कि उन्होंने एक जो आवाज़ बुलंद की हमको जोड़ने के लिए, सच्चाई देश के सामने लाने के लिए, तो उनके लिए सबसे पहले देश के नागरिकों को निकलना होगा, उसके बाद न्याय 100% मिलेगा और आगे कोई भी पत्रकार ऐसा उनके साथ कभी घटना नहीं घटेगी जो अर्णव गोस्वामी जी के साथ घटी है। क्या महाराष्ट्र के अंदर सच बोलना यही है, क्या सच बोलने की मतलब सजा इसी तरह दी जाएगी? दिख रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी कोई सच बोलेगा उसका क्या हल किया जा रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। पुलिस ने आरोप लगाए हैं अर्णव गोस्वामी के ऊपर कि जब वो उनको गिरफ्तार करने के लिए गए थे तो उनकी महिला ऑफिसर के साथ उन्होंने बदतमीजी की। तो इनकी जिहादी मानसिकता दिखाई दे गई, इनकी जो जिहादी मानसिकता है, जो इन्होंने देश के अंदर पूरे 65 साल तानाशाही चलाई है, वो महाराष्ट्र के अंदर आज साफ दिखाई दे रही है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि गुंडागर्दी की जा रही है।
सर आपको क्या लगता है कि जहां पे 50 पुलिस वाले AK-47 के साथ रहे हो उनके साथ अर्णव गोस्वामी इस तरह का काम करेंगे? देखिए, फुल गुंडागर्दी की गई है, फुल ज्यादती की गई है। अगर सब कुछ देखने के बाद भी हम लोग सहन करेंगे तो यह घटना निरंतर जारी रहेंगी। हमको बुलंद होकर आवाज देनी होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।